नमस्कार छात्रों, आज हम और एक पत्र देखने जा रहे हैं, अर्थात वह विनती है, आवेदन है। ऐसा पत्र यहाँ जो प्रश्न लिखा है वह हम देखने जा रहे हैं। प्रश्न देख लीजिए। सूरज श्रेया सावंत गणेश नगर रत्नागिरी से नूतन विद्यालय नेताजी नगर रत्नागिरी को पत्र लिखकर छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखता है, लिखती है। एक आवेदन पत्र है और इस आवेदन पत्र के माध्यम से आमतौर पर बहुत सारे जो छात्र जो अवकाश ग्रहण करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उस छुट्टी के दौरान जो भी पत्र लिखना है, अपने कक्षा अध्यापक हो, मुख्याध्यापक जी हो या प्राचार्य हो, उनको पत्र लिखना पड़ता है। उसके बारे में यहाँ जानकारी इस तरह से होगी। सबसे पहले यहाँ मैंने इसके पहले बताया वैसा तरीका होगा, 10 जनवरी 2020। अब जनवरी के बाद अल्पविराम देना न भूले। यहाँ सेवा में अर्थात कार्यालय में पत्र होने के कारण यहाँ सेवा में लिखना जरूरी है। माननीय मुख्याध्यापक, यदि पाठशाला बहुत बड़ी है और आप माननीय कक्षा अध्यापक को भी लिख सकते हैं, यहाँ जिस तरह से आप लिखना चाहते हैं उसी तरह से लिख सकते हैं। हमने लिया है माननीय मुख्याध्यापक, नूतन विद्यालय नेताजी नगर रत्नागिरी। उसके बाद ईमेल एड्रेस nutanvidyalay@email.com, या इसके सिवाय सिर्फ आप एक दो चार अक्षर लेकर वहाँ अपना अलग तरीके से एड्रेस जो है ईमेल एड्रेस बना सकते हैं, या फिर मैंने बताया उसी तरह से abcdef@email.com। इस तरह से यह जिसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका इस तरह से पता आ जाएगा। इसके बाद मैंने आपको बता दिया है कि स्वतंत्र पंक्ति में विषय लिखना बहुत जरूरी है। छुट्टी के लिए आवेदन, अब आपको परीक्षा के लिए कभी कभी दो दिन की छुट्टी के लिए आवेदन, एक दिन की छुट्टी के लिए, या फिर एक सप्ताह के लिए, चार दिनों की छुट्टी के लिए, इस तरह से कुछ भी दिया जाएगा उस हिसाब से आपको थोड़ा उस पत्र में बदलाव करना बहुत जरूरी है। तो हमने लिखा है विषय छुट्टी के लिए आवेदन, या छुट्टी के लिए आवेदन पत्र इस तरह से लिखेंगे तो भी चल सकता है। महोदय, शुरुआत करते वक्त पहला परिचय, दूसरा, तीसरा, या फिर आपको आरंभ, मध्य और अंत, इस तरह से इन हिस्सों में इस तरह से पत्र को भी काटा जाता है। मैं कक्षा दसवीं में पढ़ने वाला एक होनहार छात्र हूँ। यदि आप दसवीं में है तो दसवीं लिखिए, नवी है तो नवी, आठवीं है तो आठवीं, इस तरह से आप यहाँ थोड़ा सा जो बदलाव है वह कर सकते हैं। मैं हमेशा पाठशाला में उपस्थित रहता हूँ, मेरा उपस्थिति क्रमांक 30 है, या अनुक्रमांक भी लिख सकते हैं, उपस्थिति क्रमांक भी लिख सकते हैं, मतलब उसका है रोल नंबर। मेरा उपस्थिति क्रमांक 30 है। कल यहाँ चाहे तो आप एक पैराग्राफ, एक परिचय भी बना सकते हैं, नहीं बनाएंगे सीधा उसके सामने लिखेंगे तो भी चल सकता है। कल मैं अपने विद्यालय में कबड्डी का मैच खेल रहा था। खेल में अचानक मेरे दाएं पैर में मोच आ गई। खेल खत्म होने तक सब सामान्य ही रहा, लेकिन शाम के वक्त पैर में ज्यादा तकलीफ शुरू हुई। तुरंत डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टरी जांच से पता चला कि हड्डी पर हल्का सा आघात हो गया है। अतः मैं चलने में असमर्थ हूं। डॉक्टर जी ने मुझे एक सप्ताह तक चलने फिरने के लिए मना कर दिया है। मतलब इसमें आप किस तरह से पाठशाला में अनुपस्थित रह सकते हैं, आपका कारण क्या है, ये सब कुछ इसमें बताना बहुत जरूरी है। अब मैं चाहकर भी विद्यालय नहीं आ सकता, तो मुझे 11 जनवरी से 17 जनवरी तक एक सप्ताह की छुट्टी प्रदान करने की कृपा करें। आप जो यहाँ पहली जो तारीख लिखा है आपने, उसके बाद के
सात दिन ले सकते हैं, वह तारीख पकड़ कर सात दिन ले सकते हैं, मतलब वहाँ और यहाँ इस तरह से जो तारीख है वो ठीक तरह से होनी चाहिए इस तरह से। उसके बाद एक और एक परिषद बनाकर इस दौरान जो भी पढ़ाई होगी पूर्ण करने की जिम्मेदारी मेरी होगी, आप इस बारे में निश्चिंत रहें। मुझे आशा है कि इस सप्ताह की छुट्टी प्रदान करके उपकृत करेंगे। इस पत्र के साथ डॉक्टरी प्रमाण पत्र जोड़ रहा हूँ। अंत में धन्यवाद। इस तरह से लिखकर यह पत्र यहाँ तक पूरा हो गया है। अंत में यहाँ से धन्यवाद होने के बाद आपका आज्ञाकारी छात्र, यदि कोई लड़की है तो वो यहाँ लिखेगी आपकी आज्ञाकारी छात्रा, या फिर यहाँ आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यदि लड़की होगी तो वो शिष्या लिखेगी। इस तरह से आप यहाँ जो भी अच्छा लगे वह लिख सकते हैं। यहाँ लड़के लिखा है इसलिए यहाँ सूरज अर्थात ये स्वाक्षर है, एक पंक्ति छोड़ दीजिए। उसके बाद सूरज सावन अल्पविराम गणेश नगर, फिर अल्पविराम रत्नागिरी पूर्वविराम। उसके बाद ईमेल एड्रेस लिखना बहुत जरूरी है, सूरज सावंत @email.com, या फिर मैंने जैसे आपको बता दिया है ubwxyz@email.com, इस तरह से भी बनाया जा सकता है। यहाँ अध्यापकों को, मुख्याध्यापक जी को, आप सचमुच बीमार हैं ये कैसा पता चले, आपने डॉक्टरों का जिक्र किया है, इसलिए अंत में यहाँ संलग्न डॉक्टरी प्रमाण पत्र इस तरह से लिखना आवश्यक है, क्योंकि इसके पहले हमने उसमें जिक्र किया है कि इसमें जो डॉक्टरी प्रमाण पत्र है वो जोड़ दिया है, ऐसा हमने इसके पहले कहा था, लेकिन वो कहाँ है, पत्र खत्म होने के बाद जो दूसरी पर्ची आएगी उसके साथ ये प्रमाण पत्र इस तरह से होगा। ये हो गया इस तरह से आवेदन पत्र। अब यही पत्र, मैंने बात आप जिक्र किया कि एक ही पत्र हम अलग अलग पद्धति से लिख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो यही पत्र हम देखेंगे कि अलग कौन कौन से पद्धति से लिखा जा सकता है। आप जिस तरह से सोचते हैं, आपकी जैसी सोच होगी उसी तरह से वो पत्र लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ सब कुछ पता दिया है, वैसे पता होगा, हम विषय की ओर से यहाँ से आगे बढ़ेंगे। इसके पहले अवकाश के दिनों की छुट्टी के लिए प्रार्थना, इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। साथ ही साथ विद्यालय में अनुपस्थिति को लेकर पत्र, इस तरह से भी आप विषय ले सकते हैं। अर्थात आपको जिस तरह से हमारे प्रश्न पत्र में प्रश्न दिया है उसमें से जो वाक्य है वही उठा कर लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर भी विषय किस तरह से अलग अलग तरीके से इसी से संबंधित हम लिख सकते हैं इसके बारे में बताया। पहला परिचय वैसे ही होगा, मैं कक्षा फलाना फलाना का एक आदर्श छात्र हूँ, इसके पहले मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहता हूँ, मेरा अनुक्रमांक 10 है 20 है जो भी है आप लिख लीजिए, लगभग ये पहला परिचय इस तरह से होगा। साथ ही साथ दूसरा परिचय, मतलब आप कहाँ से क्या है ये सब कुछ पता चलेगा। अब कारण आप कौन सा लिखेंगे इस पर जो दूसरा परिचय है वह अलग अलग होगा। हमने यहाँ लिखा है कि खेलते दौरान गिरने के कारण, मोच आने के कारण हम पाठशाला में उपस्थित नहीं रह सकते हैं, अनुपस्थित इसी कारण से है। लेकिन आपको कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है कि चार दिन के लिए छुट्टी के लिए आपको आवेदन करना है, तो चार दिन छुट्टी क्यों चाहिए, कोई शादी का कारण भी हो सकता है, तो हम वही एक कारण लेकर ये पत्र भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं। मैं सीधा दूसरे परिच्छेद की ओर से शुरुआत करूंगा, पहला मैंने परिच्छेद अभी बताया है मौखिक रूप से, उसी तरह दूसरा परिच्छेद भी मौखिक रूप से इस तरह से होगा। मेरी बड़ी बहन या बड़ा भाई, इसकी शादी, अर्थात वही तारीख हम ले लेंगे, 11 तारीख को मेरे बड़े भाई की शादी मुंबई स्थित एक बहुत बड़े कार्यालय में होने वाली है, अतः मैं 10 तारीख से लेकर 14 तारीख तक पाठशाला में उपस्थित नहीं रह सकता, आप मुझे यह छुट्टी प्रदान करें।
इतना ही नहीं बल्कि पिताजी ने मुझ पर शादी के दौरान मेहमानों की खातिरदारी करने की जिम्मेदारी भी मुझ पर सौंपी है, अतः मैं चाहकर भी पाठशाला में उपस्थित नहीं रह सकता। इस चार दिनों के दौरान जो भी पढ़ाई अधूरी रहेगी वह मैं अपने मित्रों के साथ पूर्ण करूंगा, आप निश्चिंत रहें। इस तरह से ये दूसरा तरीका है। अंतिम परिचय वही होगा, आप मुझे इन चार दिनों की छुट्टी देकर उपकृत करेंगे वगैरह वगैरह, बाकी का सब कुछ पता है। जो प्रेषक है, जो लिखने वाला है, वो जो सब कुछ पता लिखना है उसी तरह से लिखेंगे। मतलब बीच का जो मैटर है, जो बीच का विषय है, पत्र का विषय, उस विषय के अनुरूप हमें किस तरह से बदलाव करना चाहिए, ये सब कुछ इस तरह से होगा। हमने अब एक शादी के बारे में देख लिया, एक आप बीमारी के कारण इस तरह से रख दिया है। इसके सिवाय आपके घर में एक दूसरा कार्यक्रम हो जाता है, हम उस वक्त नहीं आ सकते हैं, या फिर आप कहीं शहर पर जाते हैं तो ये भी कारण हो सकता है। तो उसी प्रकार का एक हम दूसरा एक यही पत्र देखने जा रहे हैं। पता वही होगा, पहला पैराग्राफ परिच्छेद बस उसी तरह, मैं इस कक्षा का छात्र हूँ, मैं एक आदर्श छात्र हूँ, कभी अनुपस्थित नहीं रहा, पढ़ाई में भी हमेशा मैं अच्छा ही रहता हूँ, अव्वल आता हूँ वगैरह वगैरह। दूसरा परिच्छेद, दूसरे परिच्छेद में मैंने अभी आपको कहा कि आपके घर में दूसरा कोई नहीं और आपके माता पिता कहीं अन्य जगह पर नौकरी करते हैं, आप और आपका भाई या बहन इस तरह से अपने माता पिता और इस तरह से भाई, आप और अपना भाई, इस तरह से चार लोगों का आपका परिवार है, और आपके माता पिता कहीं शहर के लिए घूमने के लिए जाना चाहते हैं और उसका बुकिंग उन्होंने पहले से ही किया है, जो आपने तारीख लिखी है वही तारीख लिखेंगे और उसी तारीख को बुक पिताजी ने किया था शहर के लिए, आता मैं नहीं आ सकता, ऐसा लिख सकते। तो पहला परिचय तो ये होगा, कौन सी कक्षा में हो, क्या हो वगैरह वगैरह। दूसरा परिचय, मेरे माता पिता नौकरी के दौरान उन्होंने इसी माह के लिए दो महीने पहले राजस्थान की सैर के लिए उन्होंने टिकट बुक करवाया था। इसके कारण मैं 11 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक पाठशाला में उपस्थित नहीं रह सकता, क्योंकि मेरी देखभाल करने के लिए घर परिवार में दूसरा कोई नहीं है, और मेरी भी दिल की तमन्ना यही है कि मैं पिताजी के साथ राजस्थान की जो अनेक प्रकार की इमारतें हैं, उनकी संस्कृति है, वो देखने की इच्छा मैं भी करता हूँ, और वो देखने के लिए मुझे उनके साथ जाना होगा। अतः मेरी देखभाल करने के लिए, मेरा ख्याल करने के लिए घर में कोई न होने के कारण मैं पाठशाला में उपस्थित नहीं रह सकता। इस तरह से चार दिन के लिए, सात दिन के लिए, जो भी आपको चाहिए वो लिख लीजिए, और यही कारण बताकर आप अपना ये पत्र इस तरह से भी पूर्ण कर सकते हैं। अंतिम परिचय वही होगा, आपको मुख्याध्यापक जी को या कक्षा अध्यापक जी को दिलासा देना होगा कि आप परीक्षा में कहीं पीछे नहीं रहेंगे, वो परीक्षा में जो भी पढ़ाई वो पूर्ण करने की जिम्मेदारी आपकी होगी, साथ ही साथ उसके बारे में निश्चिंत करवाना होगा, तभी आपकी जो अनुपस्थिति है या अवकाश है वो अवकाश आपको प्रदान किया जाएगा। अब इस तरह से एक ही पत्र हम किस तरह से अलग अलग पद्धति से लिख सकते हैं ये हमने देख लिया है। अब यहाँ तक हमने औपचारिक जो पत्र है वो पत्र देख लिए हैं, इसके बाद हम अनौपचारिक पत्र कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। धन्यवाद।